शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। नागपुर महानगर पालिका के आयुक्त तुकाराम मुंडे के जन्मदिन पर इनबीसीएन की ये स्पेशल रिपोर्ट। तुकाराम मुंडे, ये नाम तो अभी तक शहर के सभी के पहचान का नाम हो गया है। मुंडे आज तक जहाँ भी गए हमेशा चर्चा में रहे और तबादले से पहचाने भी जाते हैं। जब महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी उसके बाद मुंडे का नागपुर मनपा आयुक्त पद के लिए नियुक्त किया गया। हमेशा अनुशासन और नियमों पर चलने वाले मुंडे ने नागपुर में भी वही रोल जारी रखा। मुंडे पदभार संभालते ही ऐसे निर्णय लिए गए कि वो सत्ता पक्ष को रास नहीं आए, मनपा के बजट पर और नए कामों पर रोक। ये मामले तो खूब चले, विरोध हुआ मगर झुके, वो मुंडे कहा। यहाँ नगर सेवक चिल्लाते रहे मगर मुंडे नहीं माने। उनका कहना था कि मनपा की तिजोरी में इतना पैसा नहीं है कि वो नए कामों को मंजूरी दे सके। अब कोरोना के संकट में एक प्रशासकीय अधिकारी के रूप में सामने आए। भले ही महाराष्ट्र की सरकार ने कोरोना को लेकर कोई भी निर्णय लिया हो, मुंडे इन्होंने शहर के हालात देखते हुए ही अपने निर्णय लिए। इस दौरान कभी सख्त होकर तो कभी शांत रहकर मुंडे इन्होंने काम किया है। आज शहर का रिकवरी रेट देश में सबसे ज्यादा है। जहां एक और आरोपों से घिरे मुंडे के प्रशंसक भी बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। बुधवार को तुकाराम मुंडे का जन्मदिन था। जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए मनपा कर्मचारियों ने मनपा मुख्यालय में बड़ा सा बैनर लगाया, मगर हमेशा अनुशासन पर चलने वाले मुंडे वो बैनर तुरंत निकालने को कहा गया। ये तो बैनर निकल गए, मगर जो सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं मिल रही है इसका क्या। बुधवार को मुंडे के सपोर्ट में बड़ी संख्या में उनके समर्थकों ने उन्हें शुभकामनाएं दी है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक फांसी की रिपोर्ट।